हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकी एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी M30s में आप डाटा यूजेस को कैसे शो कर सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रॉर में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है नेट स्पीड इंडिकेटर, और आपको इसके लिए आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट स्पीड इंडिकेटर इंटरनेट स्पीड मीटर, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से इनेबल इंडिकेटर को यहाँ से ऑन कर लेना है। इससे आपके फ़ोन में नेट स्पीड शो होनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यहीं से आप डाटा यूजेस भी शो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, आप देख सकते हैं डेली डाटा यूजेस, आपको सिंपली यहाँ से इसे ऑन कर देना है। तो आपके फ़ोन में डाटा यूजेस शो होनी शुरू हो जाएगी। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे डाटा यूजेस यूनिट्स पे क्लिक करके यहाँ पे इसे सेकेंड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो जो शो होनी शुरू हो जाएगी। आपको मैं शटर डाउन करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में डाटा यूजेस जो है वो शो हो रही है। ऐसे आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं।